से लगाओ और हाँ नाक पे भी लगाओ। विशु, विशु? हेलो ज्योति, कहाँ हो, क्या कर रही हो तुम? वो विशु, यहाँ अक्षय की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मैं जानता हूँ उसकी तबीयत खराब है। तुम एक काम करो, फटाफट उससे फाइल लेकर पाटिल के पास पहुँचो। जी ठीक है, आती हूँ। अक्षय, वो ये फाइल विशु को चाहिए। हाँ, ये फाइल है। और मैं निकलती हूँ, तुम दवा ले लेना और मुझे बता देना कैसी ये तबीयत है। ओके, बाय, टेक केयर, बाय। विशु जी के पास चले जाना प्लीज। अरे रहन दे यार, खामा का बीमार हो जाएगा अच्छे से। हेलो सर। सर क्या, सर आपने बिल्कुल गलत वक्त पर फोन कर दिया सर। क्यों, क्या हुआ वहां? एक मतलब सर, ज्योति जी मुझे विक्स लगाने वाली थी सर। सच्ची बताऊं सर, ज्योति जी बहुत अच्छी हैं। जब उस वक्त वो मेरी सेवा कर रही थी ना, मुझे मेरी माँ की याद आ गई सर। हाँ, अगर इतनी याद आ रही है माँ की तो तुम्हें तुम्हारी माँ के पास चले जाना चाहिए। क्यों नहीं, आप भी अच्छा मजाक कर लेते हैं सर। सर मेरा आपसे कहने का ये मतलब है कि सर, प्लान कामयाब होने से पहले हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। सर इस वक्त पूरा का पूरा चांस था सर। पर सर एक दिल की बात बताऊं, ज्योति जी आपके किए गए टेस्ट पर पूरी तरह खरी उतरेंगी सर। बस अक्षय, बस तुम्हें जितना कहा जाए उतना काम करो। नतीजे पर पहुंचना तुम्हारा काम नहीं है, इज क्लियर? अभय साहब, कॉफी। थैंक यू। हाय, कैसे हो? थैंक्स सर, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हेलो महादेव, एक कॉफी लाना ईशा मैडम के लिए। हाँ जैसे मैं ही बनाई थी, स्ट्रॉन्ग। ओके, देखा तुमने मुझे बुलाया और मैं झट से आ गई सारा काम छोड़ के। थैंक यू सो मच। बैठ जाओ प्लीज। थैंक यू ईशा, थैंक यू फॉर कमिंग। इतना बोर हो रहा था ना। तुम्हें पता कहना है रमी? मैं जगा देता। पहले पैक को शफल किया जाता है। अब काटो काटो। अच्छा रखो। अभी Each gets 13 cards. 10, 11, 12. जो करने का। देखो। Open. Yeah, yeah. Open. क्या बात है? तुम्हें पहला का जोकर मिल गया। महादेव, कॉफी लेकर जा बाहर। नहीं मौसी, मैं नहीं जाऊंगा, आप ही जाकर देकर आओ। तू क्यों नहीं जाएगा? हाँ, क्यों नहीं जाएगा तू? वो चुड़ैल आई हुई है ना, सांप के पास बैठी हुई है। और मैं ना मौसी उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। कौन? वही जिसकी वजह से कुसुम भाभी को अपना घर छोड़ना पड़ा। हाँ वही। ओ, तो ये कापी उसके लिए बनाई गई है। महादेवा तू रुक, ये कापी मैच दे के आती हूँ, देखू तो उस सत्री को। लेकिन मौसी हमको एक ही कप चाहिए। अरे देवावी सरली बग, महादेवा मेरा बस चलता ना तो इस कापी में मैं जहर मिला देती। जहर शांताबाई, शांताबाई किसे जहर देके मारने की बात कर रही हो? कुछ नहीं, अभय भैया की मेहमान है ना, जिसकी वजह से कुसुम भाभी को घर छोड़कर जाना पड़ा। क्या कहा? ईशा यहाँ आई हुई है? माय गॉड, तो यहाँ तक आ गई तू ही? ये तो कमाल हो गया, उसकी इतनी गट्स। तानिया, ये कमाल नहीं हुआ है बल्कि इट्स वेरी अनसेफ। वो घर तक पहुंच गई यार। घर तक क्या, अबे भैया के रूम तक पहुंच गई है। रूही कुछ सोच, हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा, इस सिचुएशन को कैसे भी सेफ बनाना पड़ेगा। कुछ करना तो पड़ेगा ही।
ना 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 प्लीज आज कोई प्रॉब्लम लेकर मत आ जाना, आज मैं बहुत बिजी हूँ। नहीं आ रहे मन, आज तुम्हें सुनना ही पड़ेगा, हम दोनों बहुत अपसेट हैं। ईशा यहाँ आधम की है। अच्छा ईशा यहाँ पर आई है, लेकिन मुझसे तो मिलेगी। आर्यमान वो आपसे क्यों मिलेगी, वो तो सीधे जाधम की अभय भैया के रूम में, अब है ना ये प्रॉब्लम वाली बात। हाँ भाई ये बात तो प्रॉब्लम वाली है, लेकिन अब इसका कोई सलूशन नहीं। ओह गॉड, अगर सलूशन नहीं है तो ढूंढना पड़ेगा ना, कोई तरकीब निकालिए प्लीज। ना 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 अब ये सब चीजें बंद, बिल्कुल बंद। याद नहीं कुसुम पिछली बार कितनी नाराज हो गई थी, अरे उसकी डांट को भूल गए क्या तुम लोग? देखो देखो हमें ऐसी कोई चीज नहीं करनी जिससे कुसुम को दुख हो, अब जो भी करेगा ऊपर वाला करेगा। नाउ थिंक पॉजिटिव एंड बी ऑप्टिमिस्टिक। साहब जी कॉपी लाई हूं। हां ले आ जा। ओहो तो पकड़ नहीं सकती मैं। शांता भाई, ईशा मैडम, ईशा मैं शांता भाई। हाय। बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। अच्छा आपको पहले कभी नहीं देखा? मैं गांव गई थी कुछ दिनों के लिए, ऐसा तो होता च रहता है, बाहर वाले लोग मुझे ठीक से जानते नहीं हैं। लेकिन आपको भी तो मैंने पहली बार देखा है। काफी बिस्कुट बिस्कुट नहीं थैंक यू। अच्छा बताओ ना क्या ये देखो 4 5 6। ईशा फॉरगेट इट, तुम नहीं सीख पाओगे, और तुम्हें सिखाते सिखाते मैं सर दर्द हो रहा है। तुम्हारा सर दर्द हो रहा है? तबा दूं? आप ही कमाल कर रहे हैं, आपके सिर में दर्द है आपने बताया तक नहीं। इसका उपाय है मेरे पास, ठंडे तेल की मालिश। तुम दबा दो। क्यों मैं नहीं दबा सकती क्या? आता तो है। एक काम करो, सामने ड्रॉ में तेल की शीशी ला के सर पे मालिश करो। ओके ओके इसमें कितनी बदबू है, आई शो यही लगाना है। ईशा इसे बदबू नहीं खुशबू कहते हैं, पता है ये तेल सर्दी तो दूर करता ही है, साथ में बुद्धि भी बढ़ाता है। आजमाया हुआ नुस्खा है इसमें, चलो लगा। ओह माय गॉड देखा हुई कितनी स्मार्ट है ये। कुसुम भाभी का स्टाइल अपना कर कुसुम भाभी की जगह लेना चाहती है ये। ताना इट्स नॉट वेरी सेफ। हां इफ इट्स नॉट सेफ तो कुछ करो ना। हां कुछ ना कुछ तो करना ही पड़े। आईडिया तू देख मेरा कमाल। भैया खुशबू झेलनी पड़ेगी। और पता है क्या, डॉक्टर ने इन्हें एक हफ्ते तक नहाने के लिए मना किया है। एक हफ्ते तक इस तेल की बदबू की वजह से आपके आसपास कोई नहीं आएगा, आप बिल्कुल अकेले हो जाओगे, और बीमारी की हालत में अकेले रहना बहुत खतरनाक होता है भैया। आई एम टेलिंग यू इट्स नॉट वेरी सेफ। और पता है जब अकेलापन कचोटता है ना तो बुरे बुरे ख्याल आते हैं मन में, और सुसाइड कमिट करने जैसा ख्याल भी आ सकता है, फिर इंसान चिल्लाने लगता है। और इतनी खुशबू के बावजूद भी आप अभय भैया से मिलने आएंगी ना, और हो सकता है कि अभय भैया आपको चिल्लाने लग जाए और हाथ भी उठाने लग जाए, और फिर जो चीज उनके हाथ में आएगी आप पे फेंकने लग जाए। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ 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 दिल को बहलाने के लिए ये ख्याल भी अच्छा है। बट एनीवेज यू थिंक पॉजिटिव एंड बी ऑप्टिमिस्टिक। हां अभय मैं साफ कर दूंगी। चुप मैं साफ कर दूंगी ना। देखा मेरा कमाल। अच्छा मेरी बात सुनो, शट अप अच्छा लिसन टू मी, बहुत हो गया तुम्हारा, अब तुम जल्दी से ऑफिस पहुंचो। क्या क्या मतलब है, काम है बहुत जरूरी तुम्हारा वहां पर,
हाँ तुम्हें बुखार क्या हो गया? तुमने तो बिस्तर ही पकड़ लिया यार। या नाउ गेट ऑन योर फीट एंड रिपोर्ट टू मी इमीडिएटली, क्विक। एक दिन ऑफिस नहीं आएगा तो आपका क्या जाएगा विशु? मैंने देखा उसे, वो वाकई बहुत बीमार है और आप तो उसको इस तरह डांट रहे हो एज इफ वो आपका एम्प्लॉय हो, आपके यहाँ नौकरी करता हो। ज्योति, काम मालिक बनकर नहीं सीखा जाता, और वो यहाँ पर काम सीखने आया है। अगर ठीक से काम सीखेगा नहीं तो उसके भाई अनिल को क्या जवाब दूंगा? इतनी मेहनत और ईमानदारी से काम तो कर ही रहे ना वो। मैं देख रहा हूँ ज्योति, तुम आजकल कुछ उसकी ज्यादा ही तरफदारी कर रही हो। बिना वजह तरफदारी नहीं कर रही। विश्व ऐसे लोग मिलते कहाँ हैं? कैसा रहेगा ज्योति अगर मैं अक्षय से जाकर सॉरी कह दूँ? अच्छा रहेगा, डू दैट। हाँ भाभी, आपकी बहुत याद आती है। सच कहूँ तो मुझे भी आप लोग की बहुत याद आती है। तो फिर चलिए ना। हाँ भाभी, इसी बहाने आप सबसे मिल लेंगी। आपका भी तो मन करता होगा ना मिलने का। फिर कभी आ जाऊंगी। नहीं भाभी, अभी चलिए। भाभी, अगर अभय भैया उस घर में नहीं होते तो आप चलती ना हमारे साथ। पर वो घर तो अभय का है, वो तो वही रहेंगे ना। भाभी, वो घर आपका भी उतना ही है जितना कि अभय भैया का, और हमेशा रहेगा। और ये सिर्फ हम दोनों नहीं, सब सोचते हैं और मानते भी हैं। भाभी, जब से आप गई है ना, वो घर बहुत सोना सोना लगता है। सच भाभी, जब आप थी ना कितनी रौनक थी उस घर में, बट जब से आप गई हैं वो घर काटने को दौड़ता है। भाभी, शायद आपको हमारी बातें हमारा बचपना लगे, लेकिन नहीं, ये तुम्हारा बचपना नहीं, तुम्हारा प्यार है, तुम्हारा अपनापन। खैर, मैं तो उस घर में नहीं आ सकती, लेकिन तुम लोग तो इस घर में आ सकते हो ना। मैंने अपना रिश्ता तुम लोगों से तो नहीं तोड़ा है ना, और हम कभी टूटने भी नहीं देंगे भाभी, वी प्रॉमिस। या भाभी, वी लव यू। हाय ज्योति जी। हाय अक्षय, अब तबीयत कैसी है आपकी? पहले से बेहतर। गुड। कल जो आपने मेरे लिए किया उसके लिए थैंक्स कहना पर्याप्त नहीं होगा। I'm really touched. आप जानती हैं कल आपके जाने के बाद मैं कितना रोया हूं। क्यों? क्योंकि कल पहली बार मुझे अपनेपन का एहसास हुआ है। ऐसा लगा कि कोई है इस दुनिया में जिसे मैं अपना दोस्त कह सकता हूं। वैसे तो ढेर से दोस्त है मेरे पास, पर वो दोस्त हैं सिर्फ मेरे अच्छे वक्त के, मेरी पार्टीज के, मेरे रुपयों के। पर मैं अंदर से बहुत अकेला हूं। कल जो आपने मेरे लिए किया है ज्योति जी, वो उनमें से कोई नहीं कर पाता। सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ, पर अंदर से बहुत अकेला। I'm sorry ज्योति, I'm sorry। मैं खामखा कुछ ज्यादा ही भावुक हो गया, अपने इमोशनल बर्डन को आप पर ऑफलोड करने की कोशिश करने लग गया। पर पता नहीं क्यों ज्योति जी, मुझे आपसे बातें करनी बड़ी अच्छी लगती हैं। I understand, Akshay.
लेकिन आज के बाद आप अपने आप को कभी अकेला मत समझना। हूँ ना आपकी दोस्त। अगर मेरी फैमिली तुम्हें एक्सेप्ट ना करे चुके मैं भी एक घर छोड़ के चल जाऊं। नहीं, अगर तुम मेरे लिए इतना सब कुछ कर सकते हो तो क्या मैं तुम्हारे लिए नहीं बदल सकती? मैं वो सब कुछ करने को तैयार हूँ जो इन लोगों को पसंद है। नहीं कर पाऊंगी ईशा, बहुत मुश्किल है। लेकिन इसमें तुम्हारा दोष नहीं, तुमसे मांग में बड़ी बड़ी हुई है और इतनी बड़ी फैमिली के साथ एडजस्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट है। मुझे एक मौका दो, सिर्फ एक मौका। ठीक है, आज थर्सडे, आज पूरी फैमिली डिनर साथ में करती है। तुम डिनर तक इंतजार करो, आज ही से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे तुम कहो। जैसे तुम कहो तो बैठी भी यहीं ले लेती हूँ। मैं सब लोगों के लिए कुछ स्पेशल बनाऊंगी आज। ठीक है? ओके। बेस्ट ऑफ लक तो बोलो बुद्धू। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स। हेलो। हेलो कुसुम दीदी। शांता भाई कैसे हैं आप? कैसे फोन किया? वो क्या है कि आज गुरुवार है ना, क्या खाना बनाने का हा? आप बताएगी? मैं? वो क्या है कि दोनों भाभी भी घर में नहीं है। एक मिनट, फुलका बनाना और आलू पालक की सब्जी और मूंग की खिचड़ी, वेज सूप, पापड़। हाँ पापड़ को तलना मत, पापड़ को सेकना। ठीक है, मीठे में चावल की खीर बनाना। ठीक है, और रूही तानिया के लिए अमेरिकन चॉपसी, उनको बहुत पसंद है। अंकली चाची को ये सब नहीं पसंद होगा, उन्हें तो चटपटा खाना पसंद है। एक काम करना, उनके लिए एक तीखी और खट्टी चटनी बना देना पुदीने की। सब कुछ समझ में आ गया ना? इससे ज्यादा कुछ मत बनाना। ठीक है? हाँ, हाँ, तुमने जो बताया ना सब वैसा ही होगा। हाँ हाँ, थैंक यू। शांता भाई कुछ बना तो नहीं है ना? नहीं नहीं। अरे खाओ पकड़ो। हाँ, हाँ। और सुनो आज का मेन्यू। हाँ। स्वीट कॉर्न सूप। हाँ। गाजर मटर की सब्जी, गोभी आलू, गोभी के पराठे, डिजर्ट में गाजर का हलवा, ये सब बना के रखो, मैं आती हूँ। लेकिन ये सब नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि घर में कोई नहीं था, इसलिए मैंने कुसुम दीदी से पूछ के सब कुछ बनाने की तैयारी कर रही हूँ। कुसुम से? हाँ। वो क्या है कि घर में क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है ये घर वाले ही जानते हैं ना, बाहर वाले लोगों को क्या पता है कि नहीं। ईशा, तुम कुसुम बनने की कोशिश मत करो, जो हो वही रहो। अगर कौवा मोर का पंख लगा लेता है तो वो मोर नहीं बन जाता, कौवा ही रहता है। तुम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकती। धन्यवाद।